हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यूदर रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचित करना चाहता हूं कि टाटा AIA स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्लान का फर्स्ट भाग चैनल पे उपलब्ध है। लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, फंड ऑप्शन, टॉपअप प्रीमियम और अनहेज्ड स्मार्ट ऑप्शन की भी डिटेल मिलेगी। सभी बेनिफिट की डिटेल मिलेगी। थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो के एंड कार्ड में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे इस प्लान के ऊपर लगने वाले सभी चार्जेस की डिटेल, पार्शल विड्रॉल के लिए के टर्म्स एंड कंडीशन और समझेंगे रिड्यूस पेडअप पॉलिसी यूलिप प्लान में इस प्लान में किस तरीके से काम करेगा और भी मुख्य डिटेल। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे हम चार्जेस की। जब चार्जेस की बात आती है तो फंड मैनेजमेंट चार्जेस सबसे पहले आता है। एक तरफ फंड के नेम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी तरीके के 11 फंड आपको मिल रहे हैं और सब पे अलग तरीके से चार्ज लगता है। लेकिन जो पहले 7 फंड है, जैसे कि मल्टी कैप फंड, इंडिया कंजप्शन फंड, टॉप 50 फंड, टॉप 200 फंड, सुपर सेलेक्ट इक्विटी फंड, लार्ज कैप इक्विटी फंड, होल लाइफ मिड कैप इक्विटी फंड, इन सभी फंड पे जो दर लगती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, वो है 1.20% सालाना आपके फंड वैल्यू का। इसके बाद जो 8वें नंबर का फंड है वो है होल लाइफ अग्रेसिव ग्रोथ फंड। इस फंड पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस का जो दर लगता है वो है 1.10% आपके फंड वैल्यू का सालाना। नंबर 9 पे जो फंड है वो है होल लाइफ स्टेबल ग्रोथ फंड, और इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है सालाना वो है 1% आपके फंड वैल्यू का। होल लाइफ इनकम फंड पे आपके फंड वैल्यू का 0.80% सालाना फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है। होल लाइफ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड पे 0.65% की दर से आपके फंड वैल्यू का सालाना चार्जेस लगता है। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में जब आपकी पॉलिसी का फंड ट्रांसफर हो जाता है, अगर इफ इन एनी केस, 0.50% की दर से फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगता है सालाना आपके फंड वैल्यू का। अब पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस को भी जान लेते हैं, क्योंकि जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो ऐसे में आपका जो फंड है या जब भी आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे वो डिसकंटिन्यू फंड में जाता है, जिसकी डिटेल आपको फर्स्ट पार्ट में मिलती है। अगर सालाना प्रीमियम 50,000 से कम है, पहले ही साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो अधिकतम 3,000 रुपये का चार्ज लग सकता है। अगर प्रीमियम 50,000 से ज़्यादा है और पहले ही साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है, तो अधिकतम 6,000 रुपये का चार्ज लग सकता है। अगर दूसरे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जाता है और प्रीमियम 50,000 से कम है, तो 2,000 रुपये का चार्जेस। अगर 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है और दूसरे साल पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो अधिकतम 5,000 रुपये तक का चार्जेस लग सकता है। अगर प्रीमियम 50,000 से कम है, राइट, तो और तीसरे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तो अधिकतम 1,500 रुपये का चार्ज लगेगा। और अगर 50,000 से ज़्यादा का प्रीमियम है, पॉलिसी को तीसरे साल पे आपने डिसकंटिन्यू किया है, तो 4,000 रुपये तक का अधिकतम चार्ज लगेगा। मैंने अधिकतम लिमिट बताई है। अगर आपका एनुअलाइज प्रीमियम, मतलब कि बेसिक प्रीमियम, 50,000 से कम है, तो चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो 1,000 रुपये का चार्जेस है। और 50,000 से ज़्यादा का अगर प्रीमियम है, चौथे साल पे पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेंगे तो 2,000 रुपये का चार्जेस है। अगर पॉलिसी को 5वें साल या उसके बाद कभी भी डिसकंटिन्यू करते हैं, तो कोई भी पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस नहीं लगते हैं। अब आपको पता है कि बहुत से यूलिप प्लान के अंदर पार्शल विड्रॉल का चार्जेस लगता है। यहाँ पे इस प्लान में आपको कोई भी पार्शल विड्रॉल का चार्जेस नहीं लगेगा, क्योंकि पार्शल विड्रॉल हम कब करते हैं यूलिप प्लान में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है ना। बात आती है फंड स्विचेस चार्जेस की, तो एक साल में आपको 12 स्विचेस फ्री मिलते हैं और 100 रुपये का चार्जेस लगेगा उसके बाद में, जब आप अपने 12 स्विचेस फ्री यूज कर लेंगे। अधिकतम चार्जेस की सीमा 250 रुपये तक की गई है। प्रीमियम रीडायरेक्शन चार्जेस इस प्लान में आपको नहीं देना होता है। इस प्लान में आपको सेकंड ओपिनियन का भी फैसिलिटी मिल जाता है इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। मोर्टेलिटी चार्जेस की डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सैंपल है। उम्र 35 साल की है, तो 1,000 रुपए के सम अशोर्ड पे 1.016 देने हैं, मतलब कि आपके बेसिक सम अशोर्ड का 0.1016% प्रीमियम, ठीक है। और मोर्टेलिटी जो चार्जेस है डिपेंड करता है आपकी एज पे, तो जब आप प्लान लेते हैं या इनसे कांटेक्ट करते हैं तभी आपको एग्जैक्टली आपकी एज के अनुसार पता लगता है, अन्यथा हमें ब्रोशर पे जो एग्जांपल मिलता है उसके तहत हमें आइडिया मिल जाता है। मोर्टेलिटी चार्जेस को लेके एक वीडियो मैंने बनाया जो यूलिप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस की। पहले साल आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 12%, ठीक है, आपको चार्जेस देना होगा। दूसरे साल आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 6%, तीसरे साल आपके एनुअलाइज मतलब कि जो बेसिक प्रीमियम होता है उसका 5%, पॉलिसी के चौथे साल पे आपका जो बेसिक प्रीमियम होगा सालाना उसका 3%, और पॉलिसी के 5वें साल से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप टॉपअप प्रीमियम ऐड करते हैं तो टॉपअप प्रीमियम का 2% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अब बात आती है यहाँ पे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, जो लगना शुरू होता है पॉलिसी के 5वें साल के बाद में, मतलब 5 साल अगर कंप्लीट हो जाएंगे
और पॉलिसी चल रही है लगातार, तो ऐसे में पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा आपके फंड वैल्यू का 0.41%। अब जानते हैं पार्शल विड्रॉल की डिटेल। आपको पता है कि यूलिप प्लान में पहले 5 साल लॉकिंग पीरियड होते हैं, तो उस दौरान हम यहाँ पे पार्शल विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर पार्शल विड्रॉल का अमाउंट 5,000 से कम है तो भी पार्शल विड्रॉल नहीं होगा, और विड्रॉल करने पे जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उससे कम अगर रह जाता है फंड वैल्यू तो भी पार्शल विड्रॉल नहीं मिलेगा। एक साल में आप 4 बार पार्शल विड्रॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इस प्लान में आपको सेटलमेंट ऑप्शन का भी ऑप्शन मिलता है। सेटलमेंट ऑप्शन क्या है कि अगर मैच्योरिटी आ रही है तो आप कुछ समय पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को कह देते हैं कि मुझे इंस्टॉलमेंट में मैच्योरिटी बेनिफिट चाहिए। इंस्टॉलमेंट आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको सालाना चाहिए, हाफ मतलब छमाही चाहिए, तिमाही चाहिए या मासिक चाहिए। जो सेटलमेंट पीरियड का लिमिट है जो कि है 5 साल, उस दौरान आपको मिल जाएगा किस्तों में। जब सेटलमेंट पीरियड चलेगा उस दौरान डेथ बेनिफिट भी यहाँ पे पेबल होते हैं, जो कि आपका फंड वैल्यू हो या फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है उसका 105%। दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। सेटलमेंट पीरियड है तो सभी तरीके के चार्जेस भी लगते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस भी कंटिन्यू रहता है, और मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड रहता तो रिस्क भी रहता ही है। इस प्लान में लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की इसमें बेनिफिट आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कम से कम जो पॉलिसी टर्म है वो 30 साल का है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने 5 साल के बाद पॉलिसी डिसकंटिन्यू कर दी और 10 साल या 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और वो पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहता है, राइट, प्रीमियम नहीं पे कर रहा है लेकिन पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहता है, तो पॉलिसी ऐसे में रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो जाएगी और मैच्योरिटी पे जो भी फंड वैल्यू होगा वो मिल जाएगा एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट। अब रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में क्या होता है, रिड्यूस पेड अप फैक्टर निकाला जाता है। जितने प्रीमियम हमने पे किए होते हैं नंबर ऑफ प्रीमियम उसको डिवाइड कर देते हैं जितने प्रीमियम पे करने थे ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि 30 साल का पॉलिसी टर्म है, 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, उम्र है 35 साल की, श्रीमान एस की सालाना 1,00,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जो बेसिक समर शॉर्ट मिनिमम है यहाँ पे वो 1,00,000 में 10 का गुणा कर देंगे, मतलब कि एनुअलाइज्ड प्रीमियम का 10 गुना, तो 10,00,000 रुपए हो गए। अब श्रीमान एस ने क्या किया कि 6 साल तो लगातार आराम से, मतलब 5 साल लगातार आराम से प्रीमियम पे की, 6ठे साल भी प्रीमियम पे कर ली और उसके बाद में ये पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आरपीयू फैक्टर मतलब रिड्यूस पेड अप फैक्टर जो है वो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 6 साल प्रीमियम पे कर चुके हैं, 12 साल करनी थी, 6 को 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा और इस रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा बेसिक समर शॉर्ट में, तो रिड्यूस पेड अप समर शॉर्ट यहाँ पे 5,00,000 का हो जाएगा। मतलब अगर डेथ होगी तो जो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट होगा वो 5,00,000 रुपए हो सकता है, ठीक है, आइदर 105% टोटल पेड प्रीमियम का, जो भी अमाउंट ज्यादा बैठेगा वो मिलेगा। रिवाइवल पीरियड इस प्लान में 3 साल का है। फ्री लुकअप पीरियड मिलता है आपको 15 दिन का अगर आप सीधा प्लान बाय करते हैं, इनडायरेक्ट या POS की वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्स बोलते हैं, तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलता है। आपने कमेंट करके हमें सुझाव दिया।